नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रैपिड इंजीनियरिंग में। आज हम बात करेंगे मटेरियल साइंस सीएससी 2019 के प्रीलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है और उसके कुछ बिहेवियर्स। चलिए, पार्ट वन है ईएससी के लिए। ओके, थैंक यू गाइज, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए FB पे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। ओके, थैंक यू गाइज, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ द शो द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशंस इन ABCD रिप्रेजेंट द। देखिए यहाँ भी दिया है, ग्राफ दिया है स्ट्रेंथ और स्ट्रेन का रिलेशनशिप। देखिए ABC और इसका रिलेशनशिप बताना है कि ए पे क्या है, डक्टाइल है कि ब्रिटल है, बी क्या है, सी। ओके, चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। ओके, जो आंसर है, ए जो ब्रिटल है, बी प्लास्टिक है और डक्टाइल। ब्रिटल बहुत कठोर होता है, प्लास्टिक होता है और डक्टाइल होता है, मतलब होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा, तो प्लास्टिक का करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, देखते हैं, लो डेंसिटी, मशीनबिलिटी, हाई स्ट्रेंथ, लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, तो इसका आंसर है लो डेंसिटी, मशीनबिलिटी और दैट इज आंसर इज लो डेंसिटी, मशीनबिलिटी, लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। दैट इज राइट आंसर इज 1, 2, 3। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ESC पार्ट वन एंड मटेरियल साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल इज आर क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जैसे PVC, एग्जांपल ऑफ PVC, टेलफोन, मोलिस्ट्रीन एंड पॉलिस्टर। आंसर इसका क्या हो सकता है, आप सोचिए, सोच के बताइए। उसके बाद देखते हैं, दैट इज आंसर इज PVC इज 1, 2, 3। ओके, दैट आंसर, राइट आंसर इज 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थर्मोसेटिंग मटेरियल। थर्मोसेटिंग मटेरियल क्या होता है। ठीक है, देखते हैं हम जो एग्जांपल है इसका। एग्जांपल जो दिया है, बैकलाइट, मेलामाइन, पॉलिस्टर एंड पॉलिस्टर, पॉलिस्ट्रीन एंड पॉलिस्टर। इसका आंसर जो है बैकलाइट, मेलामाइन एंड पॉलिस्टर, यानी 1, 2, 4। थर्ड इज रॉन्ग आंसर। ओके, जो देखिए, बैकलाइट, मेलामाइन एंड पॉलिस्टर इज अ एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, ये ESC में क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है। उसको देख लीजिए डिफरेंस क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यहाँ दिया है कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये है। ठीक है, और इसका ये दो डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। और इसमें एडिशन पोलराइजेशन, कंसीडरेशन पोलराइजेशन होता है। ठीक है, सेटिंग में। ओके, और जो इट इज द इंजेक्शन मॉडलिंग, रोटेशनल मॉडलिंग, ये नॉन रिएक्शन इंजेक्शन मॉडलिंग होता है, इसमें कंप्रेशन होता है, ऐसे ये सब डिफरेंस है। उसके बाद देखिए, दिस इज लोअर मॉलिकुलर वेट, इट इज हायर मॉलिकुलर वेट, इट इज थर्मोप्लास्टिक, इट इज लो डेंसिटी, लेस मेलबिलिटी, ये ब्रिटनेस होता है, ये ड्यूरेबिलिटी कम होता है, ये दैट इज डिफरेंस। ब्रिटल फ्रैक्चर अकर इन मटेरियल ड्यू टू, ब्रिटल फ्रैक्चर अकर होता कैसे है ड्यू टू, ये किसके कारण होता है। ब्रिटल मटेरियल कठोर मटेरियल होता है, डायरेक्ट फेल हो जाता है, इसमें नो डिफॉर्मेशन। ओके, दैट राज आंसर इज द, देखिए, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ क्रैक, टेम्परेचर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। राइट आंसर इज 2, प्रेजेंस ऑफ क्रैक, क्रैक के कारण ये होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 2, प्रेजेंस ऑफ क्रैक। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं, एल्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज द स्ट्रेंथ एट विच द मटेरियल, सिंपल, एल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डक्टाइल होता है। ठीक है, मटेरियल विद द स्ट्रेंथ एज विद द मटेरियल। देख दे ऑप्शन में क्या क्या है इसका आंसर, तो फ्रैक्चर, डेवलप क्रैक, बिकमिंग प्लास्टिक एंड रप्चर। राइट आंसर इज 3। ओके, इसका जो राइट आंसर है 3 है। ये ESC के प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पूछा भी जा सकता है। ओके, तो राइट आंसर इज 3, बिकमिंग प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब जरूर, क्रीप कर्व इज प्लॉटेड ऑफ। क्रीप कर्व जो होता है किस ग्राफ में, मतलब किसके बीच प्लॉट किया जाता है। ओके, क्रीप कर्व होता है टाइम डिपेंडेंट। ओके, टाइम के साथ ये वेरी फेयर डिक्रीज होता है, इसका स्ट्रेंथ जो भी होता है, स्ट्रेन टेम्परेचर, स्ट्रेन टाइम, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक मॉडुलस टेम्परेचर। ओके, ये चार रिलेशन दिया है, इसका आंसर है, राइट आंसर इज 2, स्ट्रेन वर्सेस टाइम, जो इसका स्ट्रेन ग्राफ होता है, स्ट्रेन और टाइम के बीच प्लॉट किया जाता है। ओके, द राइट राइट आंसर इज स्ट्रेन टाइम। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट इज द ग्रेफीन? ग्रेफीन क्या होता है? एक नया मटेरियल है ग्रेफाइन। अभी ये अच्छा क्वेश्चन है और अभी पूछा नहीं, ये पूछ सकते हैं टेस्ट सीरीज में। ईएस मास्टर के टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, इसका आंसर जो है देखा जाए तो न्यू मटेरियल मेड फ्रॉम कार्बन नैनोट्यूब्स, C60 जो होता है कार्बन नैनोट्यूब्स, इससे ये इसका बनता है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट हैव द कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके पास कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है? ओके, अब देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड किसके पास नहीं होता है। लाइक एज सिलिकॉन, ऑर्गेनिक पॉलीमर, डायमंड एंड कॉपर। सिलिकॉन के बाद तो कोवलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक पास पॉलीमर के बाद कोवलेंट बॉन्ड होता ही है, डायमंड के पास भी होता है। इट्स राइट आंसर इज कॉपर। कॉपर के पास कोवलेंट बॉन्ड जो बनाता नहीं है। ओके, द ट्राई सेंटर इज 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज लास्ट क्वेश्चन, इट इज मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट, विट्रिफिकेशन इज, व्हाट इज द विट्रिफिकेशन? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन मटेरियल साइंस। ओके, देन स्टार्ट एट द डिसिंफिकेशन इज द प्रेजेंस ऑफ विस्कस लिक्विड इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द फायरिंग ऑफ क्ले। ये इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो ड्यूरिंग ऑफ फायरिंग ऑफ क्ले के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू गाइज, वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पार्ट टू का वेट कीजिए, इसे वॉच कीजिए। थैंक यू SC पार्ट वन के लिए। थैंक यू गाइज, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दैट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर SC प्रीमियम। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो फॉर यू। ओके, थैंक यू।